अभी हाल में ही कैंसर को लेकर, भारत की स्थिति को लेकर एक आंकड़े आए हुए हैं, तो आज उसी से बात करते हैं कि भारत और कैंसर की स्थिति क्या है, उस पर विस्तार से बात करेंगे, कैंसर के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान और अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान प्रवृत्तियों के लिहाज से वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 15.6 लाख होने की संभावना है। कितनी? 15.6 लाख होने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2025 तक वर्तमान अनुमानित मामलों में तकरीबन 12% की वृद्धि होगी। कितने? 12% की। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कैंसर कुल मामलों में तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर का योगदान अनुमानतः 27.1% हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू जनित कैंसर देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिला है। किसमें? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आप लोग देखते हैं कि तंबाकू पर उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट आते हैं उस पर लिखा भी रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं, चेतावनी भी दी जाती है उस पर, देखा होगा आप लोगों ने, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं। और इसका कितना योगदान है? 27.1%। रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2020 के अंत तक देश में कैंसर के कुल मामले 13.9 लाख तक पहुंच जाएंगे। अनुमान के मुताबिक वर्ष में तंबाकू जनित कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या 3.7 लाख से अधिक हो सकती है। पुरुषों में फेफड़े, मुंह, पेट, ग्रास नली के कैंसर सबसे आम कैंसर है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर तथा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर काफी आम बात है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर की महिलाओं में स्तन कैंसर के कुल 2.0 लाख यानी कि 2 लाख यानी कि 14.8% के करीब, और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के कुल 0.75 लाख यानी कि 5.4% मामले होने का अनुमान है। वहीं देश भर में के पुरुषों और महिलाओं दोनों में ग्रेस्टो इंटेस्टाइनल कैंसर के कुल मामले लगभग 2.7 लाख है, 19.7% है। भारत में प्रति 1 लाख पुरुषों पर कैंसर की सबसे अधिक दर 269.4 मिजोरम के आइजोल में पाई गई है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं मिजोरम, जबकि कैंसर की सबसे कम दर 39.5 महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और बीड जिले में दर्ज की गई है। इस तरह भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं पर कैंसर की सबसे अधिक दर 219.8 अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला में पाई गई है, जबकि कैंसर के सब की सबसे कम दर की बात करें तो 49.4 ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और बीड जिले में ही दर्ज की गई है। तो इन पॉइंटों को भी याद रखिए, प्रीलिम्स में बन जाएगा आपका। तंबाकू के किसी भी प्रकार के उपयोग से संबंधित कैंसर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और खासतौर पर पुरुषों में सबसे अधिक पाया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि तंबाकू सबसे ज्यादा पुरुष ही यूज करते हैं, खाते हैं इसे। खैर, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना कितना प्रेम होता है। मैं कुछ दिन पहले की बात है कि एक कहीं हॉस्टल में रहता था कुछ समय पहले, तो मैंने देखा कि वहां एक सामने लड़का रहता था, बड़ा गुटखा खाता था, इतना भयंकर गुटखा खाता था कि वो रात में भी 12 बजे अगर उसका गुटखा खत्म हो जाए तो वो रात में भी निकल पड़ता था गुटखे की तलाश में। और मैंने एक क्वालिटी देखी है इन लोगों में, इन लोगों दारू पीने वाले और गुटखा खाने वाले ये जगह ढूंढ ही लेते हैं कि रात में भी दुकान को ढूंढ ही लेते हैं। तो उस लड़के से हम लोग परेशान थे, उनके बारे में छोड़िए यार, मतलब जहां थूका जाता है वहां आप देखेंगे पूरी दीवार गंदी हो जाती है, ऐसे रेड कलर की, मतलब इतनी बुरी लगने लगती है। तो वो उन लोगों के अंदर क्या होता होगा, शरीर के अंदर क्या होता होगा, आप समझ सकते हैं। कैंसर का अर्थ क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो सामान्य शब्दों में कहें तो कैंसर शब्द का प्रयोग कई सारी बीमारियों के एक समूह के लिए किया जाता है। यह शरीर में लगभग कहीं भी विकसित हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आमतौर पर मानव कोशिकाएं बढ़ती हैं और मानव शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित होती हैं। जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वो भी स्वतः ही मर जाती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। हालांकि कैंसर की स्थिति में आप देखेंगे तो क्रमबद्ध प्रक्रिया बाधित हो जाती है, और ऐसी स्थिति में पुरानी अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाएं समाप्त नहीं होती हैं, या फिर भी यह भी हो सकता है कि
कि नई कोशिकाएं उस समय विकसित हो जाएं जब उसकी आवश्यकता ना हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस समय आवश्यकता ना हो उस समय भी कोशिकाएं उपलब्ध हो जाएं। यह अतिरिक्त कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती रहती हैं और ट्यूमर का निर्माण कर सकती हैं। कैंसर के प्रमुख कारकों की बात करें तो भौतिक कारकों की बात करें जैसे पराबैंगनी आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर होने का खतरा रहता है। तो रासायनिक कारकों की बात करें तो एस्बेस्टस, तंबाकू के धुएं के घटक, एफ्लाटॉक्सिन एक खाद्य पित्त संदूषक है, आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। अगर हम जैविक कारकों की बात करें तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर परजीवी से संक्रमण भी कैंसर का एक प्रमुख कारण बनता है। आप देखते होंगे ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये कैंसर सेल्स हैं, देख रहे हैं इस तरह से स्थिति हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में कैंसर की बीमारी विश्व में भयानक रूप ले चुकी है। विशेषता भारत में यह मौत के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है जो आज भी चिंता का कारण बना हुआ है। विश्व में भर में आप देखेंगे कि 4 फरवरी को वैश्विक कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसी के जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर के प्रति। कब? 4 फरवरी को। भारत में इसकी आक्रामकता को देखते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु वर्ष 2014 से कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत हर वर्ष 7 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। भारत में जितनी तेजी से यह बीमारी फैल रही है उस हिसाब से देश में इसके उपचार की व्यवस्था नहीं है। बीमारी से बचने के लिए का सबसे बेहतर तरीका है कि इसके प्रति जागरूकता लाई जाए और इस जो कारण भी है इसके होने के लिए उनसे बचा जाए। कैंसर के संभावित लक्षणों एवं इसके बचाव के प्रति जागरूकता से कैंसर का प्राथमिक स्तर पर ही इलाज संभव हो सकता है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कम हानि होगी। अगर इसका पता देर से चलता है तो उपचार मुश्किल और महंगा हो जाता है। और आपने गांव में तो आप सुनते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, तो एक तरह से आप भयानक बीमारी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कैंसर की स्थिति, भारत की स्थिति। और आप भी जागरूक रहिए और अपने भी आप देखिए, याद रखिए अगर आप भी इस तरह के नशे करते हैं तो आने वाली आपकी जो भी बच्चे होंगे वो स्वाभाविक सी बात पड़ उन पर असर पड़ जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल कुछ दिनों में कि कहते हैं कि अगर माँ बाप घर में अच्छे से रहते हैं, बर्ताव भी अच्छे से करते हैं, तो वही बच्चों पर असर पड़ता है। इसे हम लोग देखते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बाहर कहीं भी आप देखते हैं बच्चों को तो उनके माँ बाप हमेशा किताब पढ़ते रहते हैं, कई किताबें आप बायोग्राफी देखते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चा भी आपको देखकर मन लगा रहता है उसका। तो आप भी अपना हिसाब से चुन सकते हैं बच्चों का अपना भविष्य। ठीक है, आप भी खुद अपना ख्याल रखिए, इस तरह के नशों से दूर ही रहिए, कुछ नहीं मिलता है यार, समझ रहे हैं? आपको तो खुद को नुकसान हो ही रहा है, सामने वाले को और नुकसान होता है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए।